आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा विज्ञान विषय में लेसन नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस पार्ट के जो है दो पार्ट बनकर तैयार हो चुके हैं और उनके वीडियो आप देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडल विलयन। पिछले वीडियो में आपने निलंबन के बारे में पढ़ा था। निलंबन में क्या होता है कि विलेय पदार्थ के कण द्रव्य विलायक में घुलते नहीं है बल्कि उसमें क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। कोलाइडल विलयन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कोलाइडल विलयन? इस प्रकार के विलयन में कोलाइड के कण समान रूप से पहले होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड के कण समान रूप से पहले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? यह समांगी क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार कैसा होता है? छोटा। लेकिन वास्तविकता में यह विलयन जो है कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? वास्तव में विषमांगी मिश्रण। जैसे कि देखो दूध व स्याही का मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा ये कोलाइडल विलयन का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोलाइड के गुणधर्म देख लेते हैं। क्या क्या गुण इसमें होते हैं तो ध्यान देना, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? ये विषमांगी मिश्रण है। दूसरा गुण, कोलाइड कणों का आकार छोटा होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि इनका कणों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, इसलिए हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं? ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। चौथा गुण, यह विलयन स्थायी होता है। कैसा होता है? ये स्थायी होता है। और पांचवा गुण है, इन कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इन कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विशेष विधि जिसे हम अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं, तो इस अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। तो ये पांच गुण होते हैं इसके कोलाइड विलयन के। अगली विधि हम लेते हैं गुरुत्वाकर्षण विधि। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो जैसे मान लीजिए नमक और कपूर का मिश्रण आपको दे दिया जाए और बोले कि इसको कौन सी विधि से अलग करेंगे, तो इसको कौन सी विधि से अलग करेंगे? हम गुरुत्वाकर्षण विधि से, क्योंकि आप जानते हो कि कपूर में जो है गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का क्या अर्थ होता है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे किसे बदल जाता है? गैस अवस्था में। तो ये जो कपूर है ये सीधे ही ठोस अवस्था से किसे बदल जाता है? गैस अवस्था में। तो नमक और अगर कपूर का मिश्रण है तो हम इसको अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस मिश्रण को एक चीनी मिट्टी की यानी में लेकर और गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो इस मिश्रण के ऊपर एक कीप रख दिया जाता है और इस कीप के मुंह को रोटी से बंद कर देते हैं। जब उसको हम गर्म करते हैं तो ये जो कपूर है ये वाष्प बनकर और उस कीप में एकत्र हो जाता है और प्याली में क्या शेष रह जाता है? नमक। तो प्रश्न आ जाए कि नमक और कपूर का मिश्रण कौन सी विधि से अलग करते हैं, तो आप बताएंगे कौन सी विधि? गुरुत्वाकर्षण विधि से ये अलग किया जाता है। तो कैसे पदार्थ को अलग करते हैं? इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसमें गुरुत्वाकर्षित होने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षित होने का गुण। अगली विधि है पृथककारी कीप विधि। इस विधि के द्वारा तो ऐसे अघुलनशील द्रवों जैसे जल व तेल है ना, यानी कि दोनों आपस में मिश्रित नहीं होते, तो इनको अलग किया जाता है कौन सी विधि के द्वारा? पृथककारी कीप विधि के द्वारा। किस किस के मिश्रण को? जल के और तेल के मिश्रण को। अगली विधि है क्रोमैटोग्राफी विधि। तो इस विधि के द्वारा जो है रंगों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, यानी बहुत सारे रंग अगर आपस में मिले हो और उनको हम अलग करना चाहें तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे?
क्रोमैटोग्राफी विधि का। अब इस विधि के क्या अनुप्रयोग है तो देखो, डाई में रंगों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, क्रोमैटोग्राफी विधि का। और लास्ट अनुप्रयोग, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट या हम इसे हिंदी में बोलते हैं वर्णक को अलग करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जो मिश्रण के घटकों को अलग करने की इन पांच प्रकार की विधियों का अध्ययन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।